हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक HP यानी कि हॉर्स पावर क्या होता है और HP टू किलोवाट कैसे कन्वर्ट कर सकता है। आपको एक सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, पूरा जिंदगी भर आपको याद रहेगा। दोस्तों, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हॉर्स पावर HP भी यूनिट ऑफ पावर होता है, जैसे कि वाट है, किलो वाट है, पावर का यूनिट है, ऐसा हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट है। तो पावर क्या होता है? पावर होता है W/T, वर्क डन बाय टाइम। हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर 550 पाउंड यानी कि 250 किलोग्राम वजन को नीचे से 1 फीट ऊपर उठाने के लिए 1 सेकंड में जितना एनर्जी एक घोड़े को यानी एक हॉर्स को लगता है, उसको हॉर्स पावर कहा जाता है। तो हॉर्स पावर का सिंबल HP होता है। अभी मैं HP टू वाट और किलो वाट में कन्वर्ट करता हूँ। मैथमेटिकली आपको इतना इजीली समझाने वाला हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा। तो पावर इज इक्वल टू W/T, मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। बट W क्या होता है? W वर्क डन होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, F × S, ठीक है। और F क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। F इज इक्वल टू MA होता है। मैं ये फॉर्मूला सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास एम है, मतलब उसका वेट है, और एक्सेलरेशन है, मतलब वो जमीन से ऊपर उठा रहा है, मतलब ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो काम कर रहा है। तो उसका भी वैल्यू अपने को मालूम है, 9.81 है। और जो हाइट है, एस जो डिस्टेंस है, वो दिया है 1 फीट, ठीक है। 1 फीट को हम लोग मीटर पर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि SI यूनिट में किलोग्राम, मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। हमारे पास जो भी यूनिट में था उसको सब कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम, मीटर और सेकंड में। जैसे कि हमारे पास पाउंड में था, तो पाउंड को हमने कन्वर्ट किया है किलोग्राम में, और फुट में है उसको भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर पे। सो HP इज इक्वल टू M × G × S डिवाइडेड बाय सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड का वैल्यू 1 है, 1 सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि हम 1 सेकेंड में 1 फीट उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 1 फीट और सेकेंड हो गया, टाइम हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। तो HP इज इक्वल टू 250 किलोग्राम इंटू 9.81 इंटू 0.304 इज इक्वल टू 2452.5 इंटू 0.304 इज इक्वल टू 745.56 इज इक्वल टू 746 वाट। तो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट है। अगर वाट को हम लोग किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। सो 1 HP इज इक्वल टू 746 डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.746 किलोवाट। तो 1 HP इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि मोटर हो गया, उसका अगर HP दिया हुआ है तो आप किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितना HP लिखा होगा उसमें अगर आप 0.746 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोवाट में आ जाएगा। सपोज 2 HP है, 2 HP कितने किलोवाट होगा? 2 × 0.746 इज इक्वल टू 1.492 किलोवाट होगा। ऐसा 3 HP कितना किलोवाट होगा? 3 × 0.746 इज इक्वल टू 2.23 किलोवाट है। ऐसा 4 HP का भी निकल सकते, 4 × 0.746 मतलब 2.984, मतलब 3 किलोवाट बोलते हैं उसको। 5 HP कितना होगा? 5 × 0.746 3.73 किलोवाट। दोस्तों, अभी देखते हैं अगर हमको किलोवाट मालूम है तो उसको HP में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। दोस्तों, इसको मैथमेटिकली निकालेंगे तो 1 HP इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट है। तो 1 किलोवाट हो जाएगा 1 / 0.746 इज इक्वल टू 1.34। तो 1 किलोवाट हो गया 1.34 HP, ठीक है। तो 2 किलोवाट कितना होगा? 2 × 1.34 इज इक्वल टू 2.68 HP होगा, ठीक है। अगर 3 किलोवाट को HP में कन्वर्ट करेंगे, 3 × 1.34 इज इक्वल टू 4.02 HP है, मतलब 4 HP है, ठीक है। अगर हम लोग 4 किलोवाट को कन्वर्ट करेंगे HP में, 4 × 1.34 इज इक्वल टू 5.36 HP है। अगर हम 5 किलोवाट को HP में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 1.34 इज इक्वल टू 6.7 HP है। दोस्तों, अगर आप किलोवाट टू HP कर रहे हैं या फिर HP टू किलोवाट कर रहे हैं, मैंने दोनों का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हूँ। वो फैक्टर को आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी मैं दिखाया हूँ वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहाँ से आया है, वो कैसे निकला है। ऐसा नहीं कि आपको बोल दूंगा, आप रट के रहना, बट ये कहाँ से निकला वो भी आपको डिटेल में बताया हूँ। अगर आपको HP मालूम है, उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो 0.746 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको किलोवाट मालूम है, HP पे कन्वर्ट करना है, तो उसमें 1.34 मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए।